विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर पूर्णिया बुजुर्ग समाज की ओर से पूर्णिया के जिला परिषद सभागार में 3 युवाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्णिया डीएम प्रदीप कुमार झा, नगर निगम के मेयर सविता देवी एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह शामिल हैं। सभी को बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक एवं डॉक्टर नीलाम्बर सिंह ने सम्मानित किया। इस दरमियान बड़ी संख्या में बुजुर्ग समाज के लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ छोटू सिंह ने इस दिवस के अवसर पर 25 से 30 बुजुर्गों को शॉल ओढ़ाकर भी सम्मानित किया और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष ने इस दिवस के प्रति युवाओं को जागरूक किया। वो एक युवक का काम करते हैं, डॉक्टर देवी राम। वो केवल चिकित्सक ही नहीं है, एक अच्छे समाज सेवी है और सबसे बड़ी बात कला और रंग की उनकी काफ़ी पहचान है। कला भवन के उपाध्यक्ष हैं तो हमने एक गुरु को भी सम्मानित किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय गुरु दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा भी आयोजन होता था और बुजुर्गों को कभी छाता कभी चादर वगैरह दे के सम्मानित किया जाता था। श्री सी के मोदी के बाद यह सिलसिला थम गया, लेकिन हमने जो शुरू किया वह अभी भी चालू है। हमारा मकसद ऐसा आयोजन करके यह भी है कि कानून से सरकारी योजनाओं से बुजुर्गों का कल्याण नहीं हो सकता है जब तक युवाओं में बुजुर्गों के प्रति आदर का भाव नहीं होगा, सम्मान का भाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जब तक युवा ये नहीं समझेंगे कि एक समय वो भी बुजुर्ग होंगे, वो भी बूढ़े होंगे, तो जो सिलसिला जारी है वो रहेगा। वहीं नगर निगम मेयर सविता देवी ने कहा कि बुजुर्ग के सम्मान और आशीर्वाद के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना होता है। ऐसे में बुजुर्गों को सम्मान देकर ही हम अपने नीचे पीढ़ी को सही संदेश दे सकते हैं। यही कहना चाहेंगे कि सभी को अपने बुजुर्ग का सेवा करना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। कल के डेट में हम भी बुजुर्ग बनेंगे तो हमारा भी मेरा बच्चा ध्यान धरेगा। और सभी को यही कहना चाहेंगे कि सभी को ध्यान देना चाहिए और घर में बुजुर्गों का रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे घर का धरोहर है और हम उन्हीं से बहुत अच्छा सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। वहीं जिला परिषद के उपाध्यक्ष नीरज कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने भी बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाते हुए कहा कि वे अगले वर्ष भी वृहद पैमाने पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन कर बुजुर्गों को विशेष तौर पर सम्मानित करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के आयोजन हुआ था जिला सभागार में। इसके मुख्य बुजुर्ग समाज के भोलानाथ आलोक जी के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया, जबकि हम लोग के द्वारा बुजुर्गों को सम्मान करना था। और मैं अपनी ओर से जिला परिषद की ओर से सभी बुजुर्गों को सम्मान में साल ओढ़ाकर सम्मानित किया और आने वाले अगले साल हम लोग बुजुर्ग दिवस सारे युवाओं का जवाबदेही बनता है और हम लोग इसको मनाने का काम करेंगे। 30 लोग होंगे, उनको मैं सम्मानित करूँगा। अच्छा, जब बुजुर्ग आप लोगों को सम्मानित कर रहे थे तो आपको क्या प्रेरणा मिल रही थी? बुजुर्गों से प्रेरणा मिली कि जो काम हम लोगों को करना है, बुजुर्ग एक समाज का दिशा देता है और बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना, बुजुर्ग के बिना हम लोगों का विकास संभव नहीं है। और हम लोग को प्रेरणा मिला कि आने वाले समय में बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जरूर इसमें अपील होना है, क्या अपील करना है और करवाना भी है लोगों से कि बुजुर्ग को सम्मान करते रहना है।